हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। चलिए देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनका इरादा क्या है आपके लिए, उनका ट्रू इंटेंशन क्या है। सो रीडिंग कलेक्टिव टाइम है, जनरल रीडिंग है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। आप गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको शेडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे। गाइस, ऑल साइन शेडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप कभी भी शेडिंग को देख सकते हो, टाइमली शेडिंग है। क्या है आपकी पर्सन का ट्रू इंटेंशन आपके लिए, उनका इरादा क्या है, उनका असली इरादा क्या है। साइलेंस प्रोजेक्शन। सो देखिए, आप दोनों के बीच जो बातचीत नहीं हो रही है ना, तो इसको लेकर आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि आपके पर्सन समझ रहे हैं आपको, भूले तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके रिलेशनशिप में, चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन में, आपके रिलेशनशिप में स्पिरिचुअली, ठीक है, ग्रो हो रहा है आपका रिलेशनशिप, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और आपके पर्सन इस खामोशी में आपको समझ रहे हैं, आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, स्पेशली पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये, तो ये आपको देख रहे हैं, ये पर्सन फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके आस पास हो, ओके। ये आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, इनकी एनर्जी ये है, ठीक है। और गाइस, पता नहीं क्यों आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसा आप दिखाते हो वैसा हो नहीं, हो सकता है कि आप दिखा रहे हो कि आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो, काफ़ी ज़्यादा खुश हो, बट आपके पर्सन को पता है कि आप इनके बिना खुश नहीं हो, इनके बिना हैप्पी नहीं हो, सिर्फ आप दिखावे के लिए खुश हो ऐसा दिखाते हो। या हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, बट ये पर्सन स्टक हैं, आपको देखते हैं और आप में ही अटके हुए हैं, ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। और देखते हैं आपके पर्सन के, आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है। फूल, ओके, रोमांटिक काफ़ी ज़्यादा हैं आपके लिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हैं आपके लिए, और इनका इरादा ये है कि आपको कुछ ज़रूर दें, ठीक है, गिफ्ट हो, फ्लावर हो, आपको कुछ तो देना चाहते हैं। ये पर्सन न्यू हो सकते हैं कुछ लोग के लिए, ठीक है, जो पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, बट बातचीत नहीं हो रही, आप दोनों के बीच तो बातचीत करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, आपको और भी अच्छे से समझना चाहते हैं, आपको फ्लावर देना चाहते हैं, बुके देना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है आपके लिए, भले ही पर्सन आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये पर्सन एरिस हो सकते हैं, सौरो, मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हैं आपको लेकर। ये पर्सन आपको अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि जिस तरीके से आप टैरो रीडिंग देखते हो, ये पर्सन भी देख रहे हैं, ठीक है, या तो किसी से इन्होंने रीडिंग लिया है पर्सनली, तो इनको फील हुआ है कि आप इनके सोलमेट हो, इनके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप इनमें ही हो, आप कोई अलग नहीं हो, आप दोनों तो एक ही हो। और ये पर्सन रिकन्सिलेशन, रीयूनियन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं, तो दुखी काफ़ी ज़्यादा हैं। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जैसा दिखाते हैं ना वैसा है नहीं, ठीक है, कि सामने से हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि ये तो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में इन्जॉय कर रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं, आगे बढ़ चुके हैं, ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, ये ऐसा दिखा रहे हैं, बट रियल में ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, ये आपको अभी भी भूले नहीं हैं, आपको याद करते हैं, भले इनके लाइफ में कोई और हो, ठीक है, हो सकता है कि इनके लाइफ में चॉइसेस है, ठीक है, ये तो मुझे लग रहा है। कुछ लोग के लिए थर्ड पार्टी है, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन है, बट ये पर्सन खुश नहीं है उनके साथ, ठीक है, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, ये इनकी एनर्जी है। वी आर द वर्ल्ड, आखिर आ ही गया ना, देख सकते हैं इनका ट्रू इंटेंशन क्या है, फैमिली क्रिएट करना, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, ठीक है, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, बट पास्ट
पास्ट की चीज़ों को भूले भी नहीं हैं, या तो इनका पास्ट आ रहा है आप दोनों के बीच, या तो आपका पास्ट आ रहा है, ठीक है, या तो आप दोनों के बीच जो पास्ट में गलतियां हुई हैं, इनसे गलतियां हुई हैं, उसको भूले नहीं हैं। लगता है अगर आगे बढ़ गए तो पता नहीं आप माफ़ करोगे कि नहीं, पता नहीं आप इनको एक और चांस दोगे कि नहीं। ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। इनसे पास्ट में कुछ तो ऐसी गलती हुई है जिसको लेकर आपके पर्सन भूले नहीं हैं, आप भी भूले नहीं हो, बट फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है। या ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच फैमिली आ रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन दुखी हैं, रो रहे हैं, ठीक है, फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट फैमिली है कि मान ही नहीं रही है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि फैमिली का कुछ इशू हो सकता है आप दोनों के बीच, या तो फैमिली आ रही है आप दोनों के बीच, पैसा आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कैरियर की वजह से, मनी की वजह से, ठीक है, आप दोनों के बीच दूरी आ गई, मुझे फैमिली लग रहा है। कुछ लोग के लिए कैरियर भी हो सकता है, इस पर्सन को स्टेबल लाइफ चाहिए और वो नहीं है, और इनकी एनर्जी ये है कि इनके पास एक स्टेबल जॉब होगी तभी पर्सन आपके पास आएंगे, ओके, ये इनकी एनर्जी है। ये पर्सन आपको सब कुछ देना चाहते हैं, ठीक है, ये इनकी एनर्जी है। आपको एक क्वीन, एक किंग की तरह रखना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है। ये पर्सन भी खुद अपने लाइफ के किंग है, क्वीन है, ठीक है। इनको ना एक्शन मोड में आने की ज़रूरत है, इस पर्सन को एक्शन लेने की ज़रूरत है, किसी और को सुनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपनी बातें आप दोनों के बीच जो हो रहा है किसी और से शेयर कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स या किसी क्लोज से, ठीक है, बट वो पर्सन इनको निगेटिव एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, ये आपकी ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई तो है जो इनको रोक रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है ये आपको लेकर, कोई तो है जो इनको गलत एडवाइस दे रहा है। अगर आपकी ये पास्ट पर्सन है ना, तो मैं आपको बता दूं, आपके लाइफ में वापस से आना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करने के लिए सोच रहे हैं इन, और अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं कि मुझे उससे मैरिज करना है, बट इनको गलत एडवाइस इस तरीके से मिल रहा है कि तुमने तो गलतियां की है, तुमने तो उसको रिजेक्ट किया है, या तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है या बढ़ गया है, तो तुम कैसे जा सकते हो, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी या नहीं करेगा, इनको गलत एडवाइस मिल रहा है, जिसकी वजह से देख सकते हैं कितना ज़्यादा दुखी है आपके पर्सन, कितना ज़्यादा परेशान है। ये तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी में ये खुद हैं, या तो ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड हैं, या तो आप हो, ठीक है, जो कि आप दोनों के बीच इशू का कारण है, ठीक है, जो आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, या तो इन्होंने किसी और को चूज कर लिया है, कहीं और मैरिड हैं ये, या तो आप, अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, इन्होंने किसी और को चूज किया, तो देख सकते हैं उसका कितना ज़्यादा अफसोस है इनको। ड्रीम्स में हमेशा आपको देखते हैं, ठीक है, आपको हग करना चाहते हैं, और अगर ये किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं है तो आपके साथ ज़रूर सक्सेस चाहते हैं। और अगर ये पर्सन किसी और के साथ ही इन्वॉल्व है, फिर भी मैं आपको बता दूँ, आपको हमेशा ड्रीम्स में देखते हैं, आपके टच में रहना चाहते हैं, ये सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, और सक्सेस इस पर्सन ने